वचन मोकारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सबे सिंह पढ़ मंगहबई मंगलम भंगलानंच सबे सिंह पढ़ मंगहबई मंगलम। महावीर स्वामी की नवकार महामंत्र, नवकार महामंत्र के साथ हम सभी ने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में साध्वी श्री जी भी पधार चुके हैं और चारों तीर्थ आज मैं कहूंगा कि और बड़ा सौभाग्य है हमारा कि गुरुदेव हमारे बीच में हैं, साध्वी श्री जी हमारे बीच में हैं, श्रावक और श्राविकाएं हमारे तपस्वी भाई बहन हमारे बीच में है। इससे बड़ा और सुंदर अवसर हमारे लिए क्या हो सकता है। बहुत ही सुंदर अवसर हम सभी को अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व के ऊपर मिला है। और आइए अब हमारे बीच के अंदर सुनाम से हमारे गुरुदेव श्री अरुण मुनि जी की सांसारिक बहन, हमारे प्रिय मित्र श्री श्यामलाल जी जैन, हिसार से कहूं उकलाना से कहूं, उनकी प्रिय बहन गीतिका जी हमारे बीच के अंदर पधारी हैं और सारा परिवार उनका मैं कहूंगा कि आज गुरुदेवों के चरणों में आता रहता है, लेकिन आज विशेष भावों के साथ गुरुदेवों के आशीर्वाद के लिए पधारे हैं। सुंदर आवाज जैसे गुरुदेव की, वैसे ही बहन गीतिका की। आइए सुंदर आवाज के साथ, एक भजन के साथ इस प्रोग्राम को एक नई दिशा, एक नया आयाम देने के लिए हमारे बीच में आ रही है। और जो ये नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा निर्देशित नाटक वर्षी तप की महिमा जो होगा हमारे बीच के अंदर, वो भी श्रद्धे अरुण मुनि जी महाराज के द्वारा वो लिखित है और नरेंद्र गुप्ता द्वारा निर्देशित ये नाटक हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अब हमारे बीच में बहन गीतिका जी का सुंदर भजन। देखो कैसा आया है त्योहार, अरुण मुनि गुरुदेव पधारे, बोलो जय जय सबका। देखो कैसा ये आया है त्योहार, अरुण मुनि गुरुदेव पधारे, बोलो जय जयकार। कलू काल के ये तो लगते हैं अवतार, अरुण मुनि गुरुदेव पधारे, बोलो जय जयकार। Yeah.
तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, तप से का आगाज किया बहन गीतिका जी ने। और हमारा अवभाग्य कि हमारे बीच के अंदर उपप्रवर्तनी महासती श्री स्वर्ण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या सरलमना, महासती श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या महासती श्री किरण जी महाराज, जिनके की बेले बेले की तपस्या चल रही है, हमारे बीच के अंदर विद्यमान जिन शासन हैं जी पिछले 14 सालों से, जिनके की बेले बेले की तपस्या चल रही है, देखिए उनके दर्शन मात्र से हमारे कितने कर्मों की निर्जरा होती है। जिन शासन चंद्रिका हरियाणा सिंहिनी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की सुशिष्या महासती श्री सुषमा जी महाराज, जिनके के एकांत तप चल रहे हैं, वो हमारे बीच के अंदर हैं। आइए हम सभी गुरुदेवों के चरणों में बैठकर महासाधु जी का यहाँ पधारने पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व के ऊपर हमारे बीच के अंदर जो की तपस्या कर रही है, ऐसे साधुओं का आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए मैं कहूंगा कि एक सुंदर अवसर हम सभी को मिला है उनके दर्शनों का। और आइए अब जिस भावों के साथ हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उससे पहले कि हम उनका अभिनंदन समारोह आरंभ करें, फिर से मेरा अनुरोध है कि भाई जितने भी बाहर खड़े हैं, हजारों की संख्या के अंदर बाहर हमारे भाई बहन खड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सभी ने नाश्ता पानी भी कर लिया है, क्योंकि कई बहुत समय के साथ नाश्ता पानी चल रहा था, जल्दी से जल्दी आप पंडाल में पधारें, पूरी व्यवस्था के साथ बगैर कोई शोर किए हुए बड़ी शांति के साथ धीरे धीरे आकर अपना स्थान के ऊपर आप बैठते चले जाएं। जिन भाइयों के आज वर्षी तप के पालने हैं, वो अपनी व्यवस्था के मुताबिक आगे आकर मेरे बाई और भाई दाई और आकर के बैठते चले जाएंगे, ताकि हम सभी मिलजुल करके के आज के इस प्रोग्राम को एक नया आयाम देंगे, एक नई ऊंचाई देंगे। गुरुदेव हमारे बीच में है, साध्वी श्री जी हमारे बीच में है, अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व है, कृष्णा नगर वालों के ये मैं कहूंगा कि भरपूर सहयोग आप सभी को मिलना चाहिए उनको भी। तो आइए एक सुंदर प्रोग्राम हम सभी ने आयोजित किया है इस पावन पर्व के ऊपर। और अब हम पहला राउंड जो है ना हमारी 15 बहनों का, जिनका की आज स्वागत समारोह होने जा रहा है, अभिनंदन हो जा रहा है, जिनका की पालना होगा वर्षी तप, जिन्होंने की पूरा जोर लगाकर पिछले 2 सालों के साथ कर रही हैं, एक दिन तपस्या और एक दिन उन्होंने पालना किया है, और आज उनका गुरुओं के चरणों के अंदर आकर के उनका अभिनंदन हो रहा है इस दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर के इस पावन भूमि के ऊपर। आइए हम सबसे पहले राउंड वन के लिए हमारी जितनी भी 15 बहनें हैं, मेरा वंशिका जी से स्नेह जी से मेरा अनुरोध है कि पहला राउंड के लिए हमारी 15 बहनों को वो मंच पर लेकर के आएंगी, सभी लोग जो है ना उनका अनुमोदन भी करेंगे, उनकी प्रशंसा भी करेंगे, सराहना भी करेंगे। ऐसे मैं कहूंगा कि ऐसी मेरी सिंगनी जो बहनें हैं, जिन्होंने की पूरे 1 वर्ष तक का तपस्या के अंदर अपने जीवन को खपाया है, लगाया है, गुरुदेवों का आशीर्वाद पाया है, तो इन्होंने मन के ऊपर बड़ा कंट्रोल किया है। और मन एक ऐसी चीज है, जिन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया उसने बहुत कुछ पा लिया है, यहाँ तक के सब कुछ पा लिया है। धर्म के लिए जिसने प्राण दिए और दुनिया में सच्चा वीर है वो, और दुश्मन से जिसने प्यार किया वसुधा में सच्चा वीर है वो, और मन पर शासन करना जग में बहुत बड़ा ही मुश्किल है, और जिसने मन को जीत लिया है इस धरती का पीर है वो। और ऐसे ही मनस्वी ऐसे ही यशस्वी मेरी बहनें, जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त की है, उनका अभिनंदन समारोह हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहला राउंड हमारे पंजाब की 15 बहनों का हमारे बीच में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नव निर्वाचित काउंसलर श्री
कंचन महेश्वरी जी हमारे बीच के अंदर पधारे हैं, वो भी आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम उनका भी कृष्णा नगर की ओर से, दिल्ली की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परंपरा से जुड़ा हुआ ये पर्व है, भगवान ऋषभ देव से जुड़ा हुआ ये पर्व है। गुरुदेव हमारे बीच में, साध्वी श्री जी हमारे बीच में, हमारे तपस्वी भाई बहन हमारे बीच के अंदर है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, कृपया बहुत ही जल्दी के अंदर शांति के साथ पंडाल में आकर के बैठेंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था पंडाल में हमारे बीच में की गई। हमारी 15 बहनें, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्षी तप के अंदर पंजाब सबसे अग्रणी है, हमेशा पंजाब का नंबर वन रहा है, पहला नाम रहा है, लेकिन हरियाणा भी अब पीछे नहीं रहा है। और गुरुदेवों की ऐसी कृपा हुई है कि उत्तर प्रदेश भी अब दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो भी कभी न कभी इनसे भी आगे निकल के दिखाएगा, क्योंकि ये सभी गुरुदेवों की कृपा है, गुरुदेवों का आशीर्वाद है। उनके अनुकंपा के साथ इन भाई बहनों में एक नया हिम्मत व जोश आता है, और तभी जाकर इतना कठिन व्रत ये कर पाते हैं और कर सकते हैं। आज हमारा औभाग्य है, आप सभी का बड़ा दिन है, आप सभी के लिए अक्षय तृतीया का, कि ऐसे तपस्वी भाई बहनों के हम दर्शन करने जा रहे हैं, उनके तप की अनुमोदना कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करने का हमें मौका मिल रहा है, उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और अपने भाग्य को भी उज्जवल कर रहे हैं। ऐसा मौका हम सभी को मिला है गुरुदेवों के चरणों में बैठने का, साध्वी श्री जी के चरणों में बैठने का। सबसे पहले हम एक एक का नाम लेंगे और वह कृपया आगे आते चले जाएंगे, ताकि उनका परिचय भी हो, उनके स्थान का नाम का पता लगे, प्रदेश के नाम का पता चले, गुरुदेवों का विशेष आशीर्वाद। और सबसे पहले आज के इस वर्षी तप महोत्सव के अंदर अभिनंदन करने जा रहे हैं सरदूलगढ़ से हमारी बहन पधारी है कंचन जैन, धर्म पत्नी श्री ज्ञानचंद जैन। जैसा इनका नाम कंचन, वैसे ही अपनी काया को इन्होंने कंचन किया है। सभी इनका अनुमोदन करेंगे, हाथ उठाएंगे, बहन कंचन की जय हो, बहन कंचन की। रामपुरा फूल से हमारे बीच के अंदर एक बहन जो आगे आई, पीछे चली जाएंगी, फिर दूसरे का नंबर हमारे बीच में है, बहन पूनम जैन, धर्म पत्नी श्री संजीव जैन, रामपुरा फूल से बहन पूनम। वैसा ही पूनम की तरह से इनका खिला चेहरा, तपस्या के पश्चात भी इनका भी अनुमोदन करते हैं, बहन पूनम जैन तेरी सदा जय हो, बहन पूनम जैन तेरी सदा जय हो। ऐसी रामपुरा फूल से हमारे बीच में पधारी हैं। और फिर से तीसरी बहन हमारे बीच के अंदर सरदूलगढ़ से, पंजाब से ये बहनें हमारे बीच में आई, शकुंतला जैन, धर्म पत्नी श्री मदन जैन। जैसा जिनका नाम है, वैसे ही उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की है। इस बहन को भी हम इनका भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहन सरदूलगढ़ से। तीसरा नाम शकुंतला जैन, धर्म पत्नी श्री मदन लाल जी जैन। देखिएगा, इस उम्र के अंदर भी इन्होंने तपस्या की है, ऐसी बहन की हिम्मत और हौसला गुरुओं ने दिया है। इस बहन का भी हाथ उठा करके के बहन शकुंतला के लिए जय जयकार हम सभी करते हैं, बहन शकुंतला की जय हो। हाँ जी, सभी बहनें जिन जिन का नाम आता चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे पारने हमारे बीच में हैं, और हमारे बहुत ही खनौरी जो कि एक नया क्षेत्र गुरुओं का बनाया हुआ, बसाया हुआ एक क्षेत्र,
फरोरी जिसके अंदर के गुरुओं ने धूम मचाई है, वहां से बहन अंग्रेजों देवी धर्म पत्नी श्री सुरेंद्र सैनी जी हमारे बीच में आई है। देखिएगा सनातन परिवार से जुड़ी हुई बहन, लेकिन गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद कि आज इन्होंने वर्षी तप करके अपने जीवन को सजाया, अपने जीवन को संवारा है। बहन अंग्रेजों के लिए भी हम सभी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहन का स्वागत करते हैं। और उसके पश्चात हमारे बीच में समाना से, जहाँ के पिछले वर्ष गुरुदेवों का मैं कहूंगा कि अक्षय तृतीया का पालना हुआ, वहीं से एक नई दिशा लेकर हमारे बीच के अंदर बहन उषा जैन, धर्म पत्नी श्री रमेश जैन, बहन उषा जैन जैसा नाम वैसा सूर्य से ऊर्जा लेकर ऐसी ही उषा की तरह से चमकती हुई दमकती हुई वो चेहरा हमारे बीच में बहन उषा जैन का, वो समाना से हमारे बीच के अंदर आई है। एक एक बहन आगे आती चली जाएंगी ताकि ये पता लगे कि बहन उषा कौन सी है। तो ऐसा गुरुदेवों का आदेश और संदेश भी हमको भी अच्छा लगेगा, ऐसी रोशनी इनके दिल में समाई है। देखिएगा बहन उषा जैन जी ने तप की रोशनी के साथ अपने जीवन को तपाया है, इनके लिए भी हाथ उठाकर अनुमोदना करते हैं, इनका भी अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, तपस्वी भाई भी आगे आगे के बैठ जाएंगे जितने की भाई है। और मुनक से बहुत ही प्रिय क्षेत्र गुरुदेवों का, गुरुदेव का बहुत ही प्रिय क्षेत्र रहा मुनक, वहां से बहन आगे आ जाएंगी अनु जैन, धर्म पत्नी श्री अभय जैन। देखिएगा बहन हमारे बीच में अनु जैन जी, इन्होंने भी वर्षी तप का आज पालना होने जा रहा है, इनका भी आज दिल्ली के कृष्णा नगर के साथ दिलों की गहराई के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, गुरुदेवों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है, सभी हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे इनका भी, बहन अनु जैन। और उसके पश्चात राजपुरा, एक और बहुत ही पंजाब का बड़ा क्षेत्र राजपुरा, वहां से बहन रितु जैन, धर्म पत्नी श्री संजीव जैन। हाँ जी, और गुरुदेव हमारे गुरुदेवों के साथ जो संत हैं, अति मुक्त जी महाराज जैसा उनका नाम है, और वैसा ही पूरे परिवार जिन्होंने अपने लाल इस मैं कहूंगा कि इस परंपरा को दिए हैं, गुरुदेव महाराज जी के चरणों के अंदर जो सेवा कर रहे हैं, और आज उनके परिवार से उनकी, हाँ जी, उनकी मम्मी रितु जैन, धर्म पत्नी श्री संजीव जैन जी राजपुरा से विशेष तौर के पर उनका, जिन्होंने अपने पुत्रों को बलिवेदी पर दिया है गुरुओं की सेवा के लिए, संघ की सेवा के लिए, और स्वयं ने वर्षी तप किया है। बहुत जोर से आप हाथ उठाकर बहन रितु जैन का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बहन रितु जैन जी राजपुरा से। हमारे बीच के अंदर पटियाला, अच्छा, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मुनक से बहन रेशमा जैन, धर्म पत्नी श्री मदन लाल जी जैन। रेशमा जैन वैसे ही रेशम की तरह से मैं कहूंगा कि अपने जीवन को बनाए रखा इन्होंने, एक साल तक तपस्या करके के आज गुरुदेवों के चरणों में पधारी है। इस मैं कहूंगा कि इस उम्र के अंदर भी इनका तपस्या करना हमारे लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई दिशा है, एक नई राह हमारे लिए खोली है, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी, महाराज श्री अरुण मुनि जी महाराज जी के, उनके सांसारिक ताया जी की लड़की है हमारे बीच के अंदर, इन्होंने भी जैसा मैं कहूंगा कि गुरुओं का आदेश और आशीर्वाद मिला, उसके अंदर पूरा का पूरा मैं कहूंगा कि परिवार लगा हुआ है, ऐसा मेरे गुरुदेव का करिश्मा है। और बठिंडा, एक और पावन भूमि बठिंडा पंजाब की, हाँ जी, कमलेश जैन जी, धर्म पत्नी श्री केवल जैन जी, जो कि महाराज श्री जी की पारिवारिक तौर के ऊपर भाभी जी लगती है, पूरा परिवार जिन्होंने के अपने बच्चों को दिया, और आज मैं कहूंगा कि महाराज श्री जी हम पूरे उत्तरी भारत को हम सभी के दिलों की धड़कन है, और पंजाब की कोयल के नाम से पहचाने जाते हैं, और उस कोयल का पूरा परिवार एक कोयल की तरह से आज गाता बजाता हंसता खेलता वर्षी तप के पालनों में शामिल हुआ है। बहन कमलेश जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके वर्षी तप की सराहना करते हैं। और सुनाम, एक और पावन भूमि पंजाब की, जहां गुरुदेवों का मैं कहूंगा कि बहुत सारे चतुर्मास होते रहे हैं, बहन गुणमाला जैन, धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी चंद जैन, जैसा जिनका नाम है बहुत सारे गुण उनके अंदर हैं। देखिएगा उनकी आयु को, देखिएगा उनके गुणों को, देखिएगा उनकी कठिन तपस्या को, देखिएगा ये सारा करिश्मा गुरुदेव महाराज का है। आइए इनकी गुणों की सराहना करते हुए बहन गुणमाला का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और नौवां वर्षी तप है, एक बार हाथ उठा करके के स्वागत करें, नौवां वर्षी तप इस उम्र के अंदर, देखिएगा हम सभी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आज के भाव संकल्प करने के भी हैं, हमारे भाव उज्जवल हों, गुरुदेवों के चरणों में आए हैं, कुछ हम भी करने की हिम्मत जुटाएं, ऐसा गुणमाला जी से हम आदेश और संदेश लें।
ठीक है। हाँ जी, उसके पश्चात सुनाम से गीतिका जैन, धर्मपत्नी राजीव जैन। हाँ जी, हाँ जी, अभी भजन गाया, गुरुदेव जी की बहन है गीतिका जैन, इनकी जितनी प्रशंसा करें उतनी थोड़ी है, हमारे दिलों के साथ जुड़ी हुई हैं बहन, और ऐसा ही बहन का प्यार हम सभी को मिल रहा है सुनाम से। और उसके पश्चात एक और सुनाम से बहन रीना जैन, धर्मपत्नी श्री लखवीर जैन, लक्ष्मीर जैन जी, हाँ जी, रीना जैन, उनका भी यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन, उनके भी हम इस वर्षी तप की सराहना करते हैं। सुनाम से हमारे बीच में पधारी बहन, और उसके पश्चात बठिंडा से बहन उषा जैन, धर्मपत्नी श्री नरेंद्र जैन। ये पहला राउंड चल रहा है, बहुत जल्दी में हम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे बीच के अंदर पालने होने जा रहे हैं, अभिनंदन होने जा रहे हैं। हाँ जी, उषा जैन जी महाराज श्री जी की भाभी जी हैं सांसारिक पर, और इन्होंने भी वर्षी तप का आज इनका पालना होने जा रहा है, इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं, इनकी भी जय जयकार करते हैं हम सभी बहन उषा जी का। होशियारपुर से हमारे बीच में सोनिया जैन, धर्मपत्नी श्री भूषण जैन, हमारे बीच के अंदर बहन सोनिया जी। हाँ जी, नरेश कुमार जी जैन, जिन्होंने की आज का झंडारोहण करना है, हमारे बीच के अंदर पधारे हैं, तो कृपया वो आगे आ जाएंगे, उनका भी हमने स्वागत करना है, अभिनंदन करते हैं। किसका जी? क्या नाम है? भजन है। प्रीति जैन। हाँ जी, दूसरा राउंड के लिए हमें रावल सिका जी से, स्नेह जी से प्रार्थना की वो तैयार रखेंगी, बहुत जल्दी में हमने सारे ये समारोह करना है। और प्रीति जी हमारे बीच में बहन, और एक सुंदर भजन लेकर हमारे बीच में आ रही है, और उसके पश्चात दूसरा राउंड हमारे बीच में होने जा रहा। नए रेगुलेशन से पासिंग आउट परेड में श्री रिजिजू जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के सामने काफी चुनौतियां हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संतान प्रोटेक्शन से उन्हें पेशेवर पुलिस कर्मी बनने में मदद मिलेगी और वे बेहतर तरह से दिल चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले के बाद उठाए गए कदमों और जम्मू कश्मीर में विकास के लिए 80 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अवगत कराया। पत्नी श्री प्रतीक जैन पटियाला से आगे आती चली जाएंगी बहने, और उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। बहन ममता जैन की जय हो, पटियाला से हमारे बीच में, पटियाला से ही देखिएगा, पटियाला ने बहुत जोर लगाया है। तीसरी बहन हमारी दूसरे राउंड के अंदर बहन ईशा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, और इन्होंने भी इस अवस्था के अंदर, छोटी अवस्था है, और इन्होंने तप किया है। बहन ईशा जैन का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रामा मंडी से बहुत ही दिलों की, मैं कहूंगा कि जुड़ा हुआ गुरुदेवों के साथ क्षेत्र, रेशमा जैन, धर्मपत्नी श्री विजय जैन, और इन्होंने भी इस अवस्था के अंदर वर्षी तप किया है, और उनका भी यहां पधारने पर स्वागत अभिनंदन, उनकी भी जय जयकार करते हैं। रोपड़ की पावन भूमि से हमारे बीच में बहन सुनीता जैन, धर्मपत्नी श्री रविंद्र जैन, उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है, गुरुदेवों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बहन के लिए हाथ उठाएंगे आप सभी। और जालंधर के फिर पुनः उसी पावन भूमि से
बहन शीला जैन, धर्मपत्नी श्री रतन लाल जी जैन हमारे बीच में हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, सुषमा जैन मलोट मंडी से हमारे बीच में, धर्मपत्नी श्री रोहिणी जैन हमारे बीच में, बहन का बहुत ही नमस्कार करते हैं, उनके चरणों को, उनके वर्षी तप की सराहना करते हैं। और कपूरथला से हमारे बीच में बहन कौशल्या जैन, धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश जैन, और इन्होंने भी बहुत ही सुंदर तरीके के साथ गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वर्षी तप किया है और आज पारने के लिए हमारे बीच में पधारी हैं, उनका अभिनंदन। मानसा की इस पवन भूमि से हमारे बीच के अंदर बहन अनुराधा जैन, धर्मपत्नी श्री राजकुमार जी जैन, मानसा की पवन भूमि से बहन अनुराधा जैन, इन्होंने का भी अनुरोध किया हमने, यहाँ पर पधारी, गुरुओं का आशीर्वाद हमारे बीच में। मानसा से एक और बहन हमारे बीच में पधारी, सुनीता रानी, धर्मपत्नी श्री राजीव जैन, बहन ने भी बहुत जोर लगाया वर्षी तप के लिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेने आज दिल्ली में पधारी, उनका भी स्वागत अभिनंदन। तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, हाँ जी ऊपर नहीं आई हमारे बीच के अंदर बहन है सुषमा जैन जी, और उनका स्वागत वहीं पर किया जा रहा है, तो उनका भी यहां पधारने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, तीसरे राउंड के लिए, तीसरे राउंड के लिए बहनें हमारे बीच में आएंगी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ हम सभी मिलकर आज इस पावन अवसर के ऊपर गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, साध्वी श्री जी के पावन दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि संतों के साथ ही इस देश का नाम जुड़ा है। अगर है जी, हाँ जी, तीसरे राउंड के लिए हमारी बहनें वंशिका जी और स्नेह जी से मेरी गुजारिश कि वो तीसरे राउंड के लिए बहनों को हमारे बीच में लेकर के आएंगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि संतों की भूमि है, भारत की भूमि से अगर संतक को निकाल दिया जाए तो इस भारत समय को देखते हुए हम सभी चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी केंद्रीय प्रोग्राम हम करें, क्योंकि अनुमोदना तो हमने करनी है, लेकिन जो इन्होंने कर्मों की निर्जरा की है अपनी वर्षी तप के द्वारा वो तो हो चुकी है, जो इन्होंने घर में बैठ कर कार्य किया है वो अद्वितीय कार्य किया है। अब तीसरा राउंड एक एक का नाम लेकर के मैं आते चले जाएंगे। समाना की पावन भूमि से महावीर जैन, संगम श्री सुदर्शन जी जैन हमारे बीच के अंदर, भाई हमारे बीच में प्रधान जी, उनका स्वागत अभिनंदन, आगे आते चले जाएंगे, एक एक भाई आगे आते चला जाए ताकि पहचान बनती जाएगी। महावीर जैन जी के लिए हाथ उठा करके कि हम सभी उनके तप की अनुमोदना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। टोहाना की भूमि से हमारे बीच में दीपक जैन, संदोष श्री चंपत राय जी जैन, दीपक जैन जो कि अपने जीवन के अंदर दीपक जलाया है तपस्या का, और वो हमारे बीच में टोहाना से, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत कर रहा है समाज, अभिनंदन कर रहा है, इनके लिए भी हाथ उठा करके आप सभी अनुमोदना करें, इनके तप की, इनकी जय जयकार करें। रोहतक की पावन भूमि से जो कि हमारे गुरुदेव जी की भूमि है रोहतक, उस भूमि से राम विलास जी जैन, सनव श्री चंद्रभान जी जैन हमारे बीच में, उन्होंने वर्षी तप की आराधना की है और आज उनका भी स्वागत अभिनंदन हो रहा है, उनकी भी जय जयकार है। हाँ जी, कृष्णा नगर के सभी पदाधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो हाना से राजेश जैन, सनम श्री बिजलाल जी जैन, बहुत ही हमारे युवा तपस्वी हैं और उनका चौटाला साहब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो हाना की भूमि से युवा भाई राजेश जैन, इनकी अनुमोदना करते हैं, इनके तप की। कपूरथला की पवित्र भूमि से अरिहंत जैन, सनम श्री ओम प्रकाश जी जैन हमारे बीच में बधारे हैं, ये भी हमारे युवा तपस्वी हैं, वर्षी तप किया है और प्रधान जी से मेरी गुजारिश है कि वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरिहंत जी जैन कपूरथला से हमारे बीच में, होशियारपुर की पावन भूमि से हमारे बीच में निखिल जैन, सनम श्री भूषण जैन, निखिल जैन ये एक और युवा तपस्वी हमारे बीच में। कल्पना करिए जब ऐसे ऐसे युवा इस समाज के अंदर तपस्या करेंगे तो क्या कुछ इस समाज के अंदर घटित नहीं होगा, इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं हम। होशियारपुर से, लुधियाना से भाई कीमती लाल जी, सनम श्री वसुदेव जैन जी, अपने जीवन के मूल्य को मैं कहूंगा कि कीमती बनाया है, मूल्यवान बनाया है वर्षी तप के द्वारा, गुरुदेवों के आशीर्वाद के द्वारा। लुधियाना से एक और भाई हमारे बीच में, विनय पाल जी जैन, तपस्या में भी विनय को पाले रखा है और इस
उम्र के अंदर भी इन्होंने वर्षी तप की आराधना की है। सनो श्री बाबू राम जी जैन इनकी भी तप की अनुरोधना करते हैं। हम इनके चरणों में भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, मेरा निवेदन चौथे राउंड के लिए। हाँ जी, चौथे राउंड के लिए बहने। हाँ जी, इसके बाद हमारे अतिथियों का स्वागत होगा जी। कागज देने मेरे को। ये हमारा चौथा राउंड है बहनों का, है जी। हाँ, हाँ जी, अभी चौथे राउंड के लिए हमारे बीच में बहनें पधार चुकी हैं और उनका भी मैं कहूंगा कि स्वागत अभिनंदन हम सभी करने जा रहे हैं। एक एक नाम मैं लूंगा सभी का। पहले रानिया से हमारे बीच में बहन मीनू जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन। मीनू जैन हमारे बीच में पधारी हैं बहन, और आज भी चेहरे पर वही हंसी खुशी है, और उनका भी हम यहाँ पर मीनू जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। रानिया से ही हमारे बीच में पीछे हटती चली जाएंगी बहन, जिसका स्वागत कर रहे आगे आती चली जाएंगी संगीता जैन, धर्मपत्नी विनोद जैन। बहन का स्वागत अभिनंदन, इनके चरणों में भी वंदन अभिनंदन। रानिया की पावन भूमि संगीता जैन जी, गन्नौर बहुत ही प्रिय क्षेत्र, वहां से हमारे बीच में। हाँ जी, राज रानी जैन, धर्मपत्नी श्री कृष्ण कुमार जैन, दसवां वर्षी तप है 10 सालों से, और इस उम्र के अंदर बहन चेहरे के अंदर वही रौनक वही स्नेह, और ऐसा ही राज रानी जी जैन राज कर रही हैं अपने दिल के ऊपर, और आज इन्होंने 10वां वर्षी तप है। इनके लिए भी हाथ उठाकर इनका भी अनुमोदना करेंगे। और बठिंडा की पावन भूमि से बहन प्रेम जैन, धर्मपत्नी श्री रमेश जैन, उनका भी वर्षी तप का आज पालना हो रहा है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। प्रेम जैन जी बहुत ही प्रेम के साथ प्यार के साथ इन्होंने वर्षी तप किया। टोहाना की पावन भूमि से अनु जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन, अनु जैन टोहाना से, बहुत सारे भाई बहन टोहाना से भी आए हैं हमारे, उनका भी स्वागत हो रहा है। अनु जैन लेकिन कार्य बहुत बड़ा किया है, नाम बेशक अनु है लेकिन कार्य बड़ा। सिरसा की पावन भूमि से रेणु जैन, धर्मपत्नी श्री कुलभूषण जैन, आगे आती चली जाएंगी बहने। सिरसा जहाँ के महाराज श्री जी का कपिल जी जैन बोलेंगे राउंड के बाद, कपिल जी जैन। सिरसा से आई है रेणु जैन जी, उनका भी हम जय हो। आज सभी लोग जो है ना हाथ उठा करके स्वागत करेंगे हमारी वर्षी तप की बहनों का, इनका भी वंदन अभिनंदन करते हैं। सिरसा से हमारे बीच में बहन त्रिशला जैन, धर्मपत्नी श्री प्यारे लाल जी जैन, तुम्हारा भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सिरसा से हमारे बीच में पधारी हैं त्रिशला जैन। सिरसा से एक और बहन हमारे बीच में कृष्णा जैन, धर्मपत्नी श्री रमेश जैन। सिरसा की पावन भूमि, गुरुदेवों का चातुर्मास के अंदर आशीर्वाद लिया, और आज वर्षी तप के पालनों के लिए हमारे बीच में पधारी हैं, और बहन खुशी से इनका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है, कृष्णा जैन का आशीर्वाद ले रही है। फतेहबाद से हमारे बीच में कीर्ति जैन, धर्मपत्नी श्री लक्ष्मण जी जैन, फतेहबाद से हमारे बीच में आई है बहन, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। प्रवीण जैन सरसा से लास्ट में। अच्छा, हाँ जी, कीर्ति जैन फतेहबाद से। एक हमारे संदीप कपूर जी कृष्णनगर से, वो आ गया। हाँ जी, फतेहबाद से। उसके पश्चात रोहतक की पावन भूमि से बहन संतोष जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, उनका भी इस वर्षी तप का वंदन करते हैं, इनको माँ को अभिनंदन करते हैं। संतोष बहुत ही संतोष रख करके इन्होंने कार्य किया। रोहतक से एक और बहन सुशीला जैन, धर्मपत्नी श्री राम विलास जी जैन, वे जैसे नाम वैसे ही भाव वैसे ही तपस्या बहन ससुरा जैन की। हाँ जी, प्रवीण जैन सिरसा से हमारे बीच में पधारी हैं, उनका भी यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहन प्रवीण जैन कृपया आते चले जाएंगे बहुत जल्दी के साथ। रोहतक से हमारे बीच में सुशीला जैन, सुशीला जैन। हाँ जी, बहुत ही मैं कहूंगा कि आप सभी भी शांति बनाए रखेंगे और अनुमोदना करेंगे, जिनका भी आज स्वागत अभिनंदन समारोह हो रहा है हमारे बीच के अंदर। बहन सुशीला जी रोहतक से हमारे बीच में आई है,
गुरुओं का आशीर्वाद बोले रही है और वर्षी तप इन्होंने किया। रोहतक से बहन सुशीला जैन उनका स्वागत अभिनंदन कर रही हैं और रोहतक से एक बहन राज रानी जैन धर्मपत्नी श्री रामेश्वर जी जैन। राज रानी जैन हाँ जी। और सिरसा से हमारे बीच में बहन बबली जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जी जैन। सिरसा से बहन बबली जैन उनके भी तप की मैं कहूंगा कि अनुमोदना करते हैं हम सभी, जय जयकार करते हैं, बहन को वंदन करते हैं। सिरसा से बहन बबली जैन स्वागत करेंगे। तपस्या करने वालों का धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वालों का धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों का धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, प्रवीण जैन सिरसा से हमारे बीच के अंदर पधारी है बहन और इनका भी वर्षी तप काज पावना है, उनका भी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तपस्या करने वालों का धन्यवाद धन्यवाद। संदीप कपूर जी, इन्होंने संदीप कपूर निगम पार्षद कृष्णा नगर नव निर्वाचित, कहाँ से हैं जी? और कृष्णा नगर से, और इन्होंने नॉन वेज का नियम लिया यहीं पर आकर के महाराज श्री के। हमारे बीच के अंदर नव निर्वाचित कृष्णा नगर के नगर पार्षद श्री संदीप कुमार जी हमारे बीच में हैं गुरुओं का। हाँ जी, और यमुना पार से इनकी सबसे बड़ी जीत है, इनका भी हाथ उठाकर गुरुदेवों के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और यही इन्होंने मांसाहार न करने का आजीवन इन्होंने गुरुओं के चरणों के अंदर व्रत लिया है, एक बहुत बड़ा व्रत है, इसके लिए इनको हम बधाई देते हैं। और ऐसा ही कार्य ये अपने इस पूरे नगर परिषद के इसके अंदर जो भी इनका क्षेत्र आता है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और गुरुदेवों का आशीर्वाद लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मंच के ऊपर भी जिनकी व्यवस्था में ड्यूटी है केवल वही लोग रहेंगे और बाकी पूरी बाहर की व्यवस्था में सभी लोग। हर्ष 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 हर्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनके साथ में मीनू जैन जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आई संदीप कुमार जी के साथ उनका भी सहयोग रहा है पूरे क्षेत्र को, उनका भी यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन। राउंड तीन के पास है। हाँ जी, फिर से मेरा अनुरोध है कि जो भी भाई बाहर खड़े हैं वो कृपया अंदर आ जाएंगे, जो भी भाई बाहर ना खड़े हो कृपया कोई भी, और आवागमन ना रहे पंडाल के अंदर, बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ बार बार, हाँ जी, कहना ना पड़े किसी को भी और सभी अंदर आके के बैठ जाएंगे, कोई आवागमन ना हो। हाँ जी, हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग का मानसून के ऊपर प्रतिकूल असर तो नहीं है, यही अभी तक का जो रिसर्च किया गया ये कहता है आने वाले दशकों में इंडिया के साउथ देशों में, साउथ एशिया के देशों में मानसून के प्रभाव बारिश ज्यादा होने की संभावना दिखता है इसके रिसर्च से, और ग्लोबल वार्मिंग को मानसून के ऊपर प्रतिकूल नहीं है। गर्मी के ऊपर असर गर्मी का पैटर्न देखा जा रहा है, तो क्या ये रेगुलर है या अनियमित रूप से ये पैटर्न है? ग्लोबली जो है 1901 के जितना टेम्परेचर बढ़ा है वो देखेंगे तो अभी तक का 1.04 डिग्री की मात्रा में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है पूरा वर्ल्ड में। इंडिया के ऊपर आप देखेंगे तो अभी 0.86 और 0.9 के बीच में बढ़ोतरी हुई है उसी दौरान, उसी पीरियड के दौरान। उस हिसाब से ग्लोबल एवरेज के अनुसार
मानसून का आकलन जो है मॉडल करते हैं पूर्वानुमान करने के लिए, चार महीने के पहले चार महीने का जो है जून से सितंबर अंत तक होता है, 30 दिसंबर तक का आकलन लेते हैं, पहले जून से 30 दिसंबर तक का। बट मानसून जो है इंडिया में केरला में प्रवेश करता है जून तकनीक में, एवरेज मेन डेट है जून तक को, और दिल्ली में आती है जून तकनीक के आसपास, और राजस्थान पूरा राजस्थान कवर करती है जुलाई 15 तक। इसका मतलब जून 1 से जुलाई 15 तक 45 दिन का टाइम होता है मानसून केरल में प्रवेश करने के बाद पूरा देश में प्रभाव कवर करके उसके प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर राजस्थान में देखेंगे चार महीने का नहीं होता है, जुलाई 15 में प्रवेश करता है और सितंबर 30 के 1 सितंबर में ड्रायल करना शुरू कर देता है। उधर तो मानसून जो है 45 दिन ही रहता है और केरल में आप देखेंगे तो पूरा चार महीने रहता है, ये एक्सट्रीम है। बट मानसून का पूरा जो प्रभाव देश में रहता है भिन्न भिन्न भागों में चार महीने का, पिछले चार महीने का आकलन किया जाता है। हर साल में भी जब भी मानसून अच्छा भी रहा है इंडिया में, कम से कम 20% डिस्ट्रिक्ट जो रहते हैं वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल अचीव करते हैं। तो हर मानसून में भी अच्छा हो या बुरा हो, नॉर्मल हो या वो नॉर्मल हो, कम से कम 20% डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल अचीव करते हैं। और उसके जो है क्लाउड सीडिंग के लिए भी पोटेंशियल क्लाउड रेन बेयरिंग क्लाउड होना चाहिए। अगर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है क्लाउड को पैदा नहीं करता है, अगर क्लाउड है पोटेंशियल क्लाउड है आप मैनुअल इंटरवेंशन से क्लाउड को बढ़ाने का रेट जो है बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा इंटरवेंशन सक्सेसफुल होता तो बहुत कंडीशन है, बहुत उत्पन्न बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ये पता लगता है हम हमारी इंटरवेंशन से बारिश को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। इसमें काफी रिसर्च हो रही है, बट कमर्शियली कंपनी ऑफर करते हैं ये ऑप्शन, बट बिना क्लाउड क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बारिश नहीं ला पाएगी। ठीक है संजीव जी, आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और डॉक्टर रमेश जी आपने अच्छे तरीके से, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। जैसा अलग अलग ऑब्जर्वेशन सिस्टम है उसका डाटा मिलता है और क्या मॉडल है, क्या विजुअलाइजेशन सिस्टम है, इसका विभिन्न भागों में काम किया जाता है, ये सब 3-3 घंटा कम से कम 4 घंटा जो है हर स्कूल के पूरे अपर मिडिल क्लास के स्कूल के बच्चे आते हैं। कम से कम दिल्ली के मौसम भवन की बात करते हैं तो कम से कम साल में 700-800 पानी शक्ति ऊपर नीचे ही करेंगे। जयपुर से हमारे बीच के अंदर चंद्रकांता धर्मपत्नी श्री अभय जैन जी बहन का हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन। हाँ जी, जयपुर से हमारे बीच में पधारी हैं, इनकी अनुमोदना करते हैं। रोहतक से शांति जैन धर्मपत्नी श्री बनारसी दास जी जैन, इस उम्र के अंदर बहुत ही शांति के साथ इन्होंने वर्षी तप किया है, आज उनका पालना हो रहा है, इनका भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं माँ को। और भुन्ना से क्षेत्र महाराज जी का बनाया हुआ क्षेत्र, अपना क्षेत्र, बहन बबली जैन धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र जैन जो कि हमारे बीच में भुन्ना से पधारी हैं, गुरुओं का विशेष आशीर्वाद लेकर वर्षी तप किया और आज पारने के लिए यहाँ पर पधारी, उनका स्वागत अभिनंदन। रानिया से सुलोचना जैन धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र जैन, बहन ने वर्षी तप का आज पारना हो रहा है, बहन का भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं रानिया से हमारे बीच में। और दिल्ली से बहन कृष्णा जैन धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश जी जैन हमारे बीच में पधारी हैं दिल्ली से, और इनका भी आज सातवां
सातवां देखेगा वर्षी, तब का हाथ उठाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। हाँ जी, क्या नाम? प्रवीण जैन, धर्मपत्नी श्री मनोहर लाल जी जैन, राजस्थान की पावन भूमि से हमारे बीच के अंदर पधारी हैं, उनका भी हम यहाँ पधारने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजस्थान की वो मैं कहूंगा कि दीवानों की भूमि, वहां से बहन प्रवीण जैन हमारे बीच में पधारी हैं। हाँ जी, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस हरियाणा के अध्यक्ष श्री विनय जैन जी अपनी टीम के साथ हमारे बीच में पधारे हैं, और हम यहाँ पधारने पर उनका यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब प्रेडिक्शन है अगले 3 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए सब तो ऑनलाइन है, और उसके अलावा हर स्टेशन पे जो ऑब्जर्वेशन है उसकी अगले 10 दिनों तक का कैसा रहेगा, अलग अलग पैरामीटर जिसका भी मीटियोग्राम कहते हैं उसका भी वेबसाइट में अवेलेबल है। गोपाल जी, IMDS के वेबसाइट पे ये जानकारी है, आप इसको समय समय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद। एक कॉलर हमारे साथ बात जुड़ गए हैं, उनको जानते हैं। हेलो, नमस्कार जी, मैं बताइए। उसमें वाक की मात्रा बहुत ज्यादा है, वाक की मात्रा है, तो कभी कभी वाक गर्मी इतनी हो जाती है तो उसमें वाक की मात्रा कम है, हाथ कम है, जो कि पानी में बदल सकते हैं, पानी की बूंदों में बदल सकते हैं, बरसना कम होता है, बरसना, लेकिन वो जमीन पर नहीं आता, थोड़ा बहुत होता है, तो वाकपन ऊपर से नीचे गिरते समय वाकपन के दौरान ही फिर से वाक उसका वाक की तरफ हो जाता है, उसके अंदर ही रहता है, वो मूवमेंट करता है, तो उसमें गरज ज्यादा होती है, और उनके बहुत थोड़ी बहुत हल्की छींटे पड़ जाती हैं, और जो बादल बरसते हैं गरज उसमें भी होता है, लेकिन बरसात ज्यादा होती है, तो ये अंतर है। धन्यवाद जी, कॉलर को सुनते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, समस्त संबोधित सभा सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, संबंधित विषय तो मेरे दो प्रश्न हैं। सर्वप्रथम तो मैं जानना चाहता हूँ कि मानसून के आकलन में डॉपलर रडार किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, और दूसरा इस क्षेत्र में हैम रेडियो की क्या उपयोगिता हो सकती है, कृपया इससे प्रकाश डालें। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। डॉपलर रडार जो है सीवियर वेदर का मॉनिटरिंग में काम आता है, जो हैवी रेनफॉल फिनोमेना है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, इसकी जो प्रभाव हमारे ट्रीज गिर जाते हैं, हैवी रेन की वजह से फ्लडिंग हो जाती है, सिटीज में हो, रिवर में हो, या कोस्टल एरियाज में हो, इसकी जो इंटेंसिटी मापने के लिए डॉपलर वेदर रडार काम आता है। वो ओनली नाउकास्टिंग, मतलब 0 से अब से 6 घंटे से आगे तक का पूर्वानुमान करने में, और जो किस किस जगह भारी से भारी प्रभाव होने का है, या हवा से होगी या बारिश से होगी, उसका नुकसान देने वाली कंडीशन कैसा है, इसको मापने के लिए अगर डॉपलर वेदर रडार रहता है, उसका 200 किलोमीटर की रेडियल रेंज पे इसका असेसमेंट सीवियर वेदर का इंटेंसिटी का अकरेंस का डिटेल मिलता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है हैम रेडियोज अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ जाते हैं, उनको हम दे सकते हैं सीवियर वेदर कंडीशन, पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया में जब साइक्लोन से संबंधित नुकसान होने का पूर्वानुमान जो भी हम करते हैं, वो सब हम हैम रेडियो वालों को भी दे सकते हैं। जो अमेच्योर दिल्ली में और आसपास के क्षेत्र में अमेच्योर हैम है, हैम का जो सीधा ये टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे सारी संचार की प्रणालियाँ और टेक्नोलॉजी ध्वस्त हो जाती है, जैसे भूकंप की या बाढ़ की स्थिति में, तो हैम काम करता है वहाँ पर। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में या दूसरे भारत के हिस्सों में हैम और IMD का कोई ऐसा टाइप या कोलाबोरेशन है क्या? वो स्टेट, कुछ स्टेट्स में है, स्टेट के पास जो डिटेल्स है, अच्छा, जैसा पूर्वानुमान हमारा बन जाता है उनको IMD इसको आगे और आगे ले जा सकता है, विस्तार कर सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। अभिनय जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनके बारे में जानते हैं। हेलो, बताइए आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं मोहम्मद कदीम बोल रहा हूँ। जी कदीम जी, बताइए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जो बारिश के समय जो बरसात होती है, एक बार दोबारा बोले, आवाज साफ नहीं आ रही थी। जो बारिश के समय जो साउथ होती है बरसों से, अच्छा,
जिसको हम बिजली बोलते हैं बिजली का जो कड़कने की आवाज आती है वो कहाँ से आती है? वो दो तरीके से होती है, क्लाउड में ही, क्लाउड टू क्लाउड भी डिस्चार्ज, जब बिजली का डिस्चार्ज होता है तभी वो गर्जने की साउंड आती है, और क्लाउड से आप तक भूमि तक जो डिस्चार्ज होती है तब भी बहुत ज़्यादा साउंड, सबसे ज़्यादा साउंड आता है। ये दोनों माध्यमों से गर्जने का आवाज़ आता है। मुझे लगता है आपके जिज्ञासा समाधान हुआ होगा। धन्यवाद, धन्यवाद रमेश जी। तो हम डॉक्टर कमलेश जी की जानना चाहते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, किसानों के ऊपर जो कृषि उपज निर्भर है तो उसका मौसम के नाम से क्या कोई सूचना प्रणाली है जिसके माध्यम से किसानों तक जो आईएमडी और मौसम विभाग के जो फूल अनुमान है उसकी जानकारी उन तक संप्रेषित की जा सके? सर, केंद्र सरकार ने एक बहुत ही सशक्त सूचना प्रणाली इस्टेब्लिश किया है और उसके जो मुख्य अवयव हैं वो एक तो मानसून संबंधी या वेदर से संबंधी सारी सूचनाएं जिलेवार वो हमें प्रोड्यूस की जाती है और उसमें बरसात, तापमान, हवा, आर्द्रता हवा में कितनी होगी ये सब अगले 5 दिन तक का भविष्यवाणी रहता है। इसके बाद मौसम विभाग ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर हर राज्य में एग्रो क्लाइमेटिक जोन लेवल पर सेंटर स्थापित किए हैं, केंद्र स्थापित किए हैं जो किसानों को भी इकट्ठा करके इस मौसम की जानकारी को किसानी खेती बाड़ी के शब्दों में दिया जा सके ताकि किसान उसे समझ सके कि इसका उनके किसानों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये काम करते हैं और फिर इसके बाद जो बुलेटिन बन जाती है वो जिलेवार किसानों के लिए उसे भेजा जाता है। भेजने के लिए कई माध्यम है, सशक्त माध्यम आजकल SMS है जो कि भारत सरकार ने भी जिज्ञासा समाधान कर देते हैं। हेलो, बताइए। नमस्ते। नमस्कार सर, बताएं आपका क्या नाम है? मौसम बनता है तो ये नहीं पहुँच पाता, इसके कारण क्या है? एक तो मौसम की कोई बाउंड्री नहीं और वैसे भी दिल्ली राज्य का जो सरहद है बहुत छोटा है तो हम चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर की बात कर लेते हैं उसके बाद उसकी बात करते हैं। हेलो, मैं ये चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि मौसम में अंतर काफी आया है, क्योंकि जब पहले बारिश हुआ करती थी तो काफी घंटे यानी 24 घंटे 2 दिन चलती रहती थी, तो जो आज की बारिश एकदम आई और घट गई उसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी बताऊंगा कि पहले हमारे कहावत में भी कहा गया था कि अगर आंधी आए तो रुक जाओ और बारिश आए तो चल पड़े, यानी बारिश का पता नहीं है अभी 24 घंटे बाद रुके या 27 घंटे बाद रुके या 15 घंटे बाद रुके। और दूसरा मैं एक और आपको पूछना चाहता हूँ सर, हम जब बचपन में देखते थे तो कई बार मछलियों की बारिश भी हुआ करती थी, बारिश में मछलियाँ यानी ऐसे जगह जैसे सिंचाई आंगन में जैसे ओले गिरते हैं उसके कारण मछलियाँ भी गिर जाती थी, सड़कों पर पानी गर्म हो जाता था तो उसके नाव चलाते थे, आपको पता चलेगा ना, अब वैसा दृश्य नहीं दिखता। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, 2013 उत्तराखंड में बारिश आई तो रमेश जी वही बात उनका भी आ गया, किस प्रकार ये अनियमित मानसून या असामान्य मानसून है क्या? जलवायु परिवर्तन की वजह से रेनफॉल इवेंट जो है एक्सट्रीम हो गए हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट की वजह से ये इस तरह का प्रॉब्लम है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ बताइए।
डिस्चार्ज होती है बादल दोनों बादलों के ऊपर बादलों के बीच में भी डिस्चार्ज होती है और बादल से जमीन पर भी डिस्चार्ज होती है। जब बादल से जमीन तक का जो डिस्चार्ज होती है तभी जनमान के ऊपर भी प्रभाव होता है, पेड़ के ऊपर भी प्रभाव होता है। इसीलिए ओपन ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए, शेल्टर के अंदर जाना चाहिए, पेड़ के नीचे बिल्कुल रहना नहीं चाहिए जब बिजली गिरने का संभावना दिखता है। थंडरस्टॉर्म के थ्रू बारिश के साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी होती है, वो जरूर नहीं है डिस्चार्ज दूसरी जगह होती है, बारिश दूसरी जगह होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मैदानी इलाकों में कम इसके खतरे होते हैं, पहाड़ी जगहों पे जहाँ बिजली ऊंचाई पर है क्लाउड के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे ज्यादा डीपर क्लाउड है ऊपर 12-13 किलोमीटर तक का भी उसकी ग्रोथ है जमीन पे, उसमें जितना डीपर है उतना डिस्चार्ज होने की संभावना। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो मुंबई की बारिश जो है वो वेस्ट कोस्ट में है होने की वजह से मानसून का सीजन में वेस्ट कोस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से मुंबई में एक बार रेनफॉल शुरू हो गया, पॉजिटिव रेनफॉल शुरू हो गया तो वो 2-3 दिन तक लगातार बारिश चलेगी। बीच बीच में हेवी स्पेल्स होते हैं, जो बारिश कंटिन्यूस हल्की बारिश पूरा दिन भी चल रहा हो बीच बीच में हेवी स्पेल होती है, इसलिए मानसून सीजन में सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करने की प्रदेश होने की वजह से लोग मानसून सीजन में छाता लेकर निकलते हैं। और जो आप दूसरी बात कहे हैं आप थंडरस्टॉर्म जहाँ होता है ओनली मानसून से रिलेटेड नहीं, ओनली आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म जो होता है, थंडरस्टॉर्म की बारिश जो है हाईली लोकलाइज होती है, वो अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास हुई तो आर के पुरम में हो सकता बिल्कुल ही नहीं हुआ हो। थंडरस्टॉर्म जब होता है हाईली लोकलाइज थंडरस्टॉर्म होते तभी ऐसी होता है। अगर आप द्वारका से नोएडा निकलेंगे तो द्वारका की और नेहरू प्लेस के बीच में बारिश पड़ी होगी, नेहरू प्लेस के बाद बिल्कुल ही सूखा रहा होगा, ऐसी होता है थंडरस्टॉर्म में, मानसून में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दी एरियाज नाइबरिंग एरियाज वाइड स्प्रेड रूप में बारिश होती है। धन्यवाद। एक कॉलर हमारे पास और है, उनसे भी कैसे जानते हैं। हेलो हेलो जी आप बताएं। या जो थंडरस्टॉर्म जहाँ जहाँ होता है सबसे ज्यादा ऊपर तक बादल जब बढ़ता है उसके
अनुसार जो बारिश आता है, बारिश के साथ साथ क्लाउड से दोनों क्लाउड के बीच में डिस्चार्ज होती है और भूमि के साथ उसकी आसपास में डिस्चार्ज होती है। बारिश होती है उसकी बारिश जहाँ होती है उसके आसपास में डिस्चार्ज होती है। बारिश के साथ साथ गरजते हैं, गरज जो है पहले बारिश के पहले भी हो सकती है, बारिश का बाद भी हो सकती है। बारिश होते हुए आसपास की जगह लाइटनिंग होती है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बसव जयंती के अवसर पर 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना और अन्य संतों के वचनों के 23 भारतीय भाषाओं में अनुवादित संकलन के खंडों का लोकार्पण करेंगे। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही बसव जयंती के मौके पर श्री मोदी नई दिल्ली में इन खंडों के डिजिटल संस्करण का भी विमोचन करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले के बाद उठाए गए कदमों और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अवगत कराया। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए नवंबर 2015 में पैकेज घोषित किया था, जिसके तहत केंद्र से राज्य सरकार को अब तक 19,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गृहमंत्री ने घाटी में विकास पैकेज से संबंधित कार्य के प्रगति की समीक्षा बुधवार को की थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज से 95 दिन की अपनी अखिल भारतीय यात्रा की विस्तार यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान वे 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे उन 120 सीटों के बारे में भी विचार करेंगे जिन पर 2014 में पार्टी विजय हासिल नहीं कर सके थे। श्री शाह आज जम्मू पहुँचेंगे। वे प्रत्येक राज्य में 1 से 3 दिन की यात्रा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई की कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, वरिष्ठ नेता राम माधव और कई अन्य नेता भाग लेंगे। श्री रंजीत कुमार दास ने हाल ही में राज्य में पार्टी की कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की थी। कार्यकारिणी की ये पहली बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में प्रवेश के लिए महिलाओं की सीटें 8% से बढ़ाकर 20% की जाएंगी। इससे पहले कल IIT परिषद की 51वीं बैठक मुंबई में सम्पन्न हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HIV के मरीजों के लिए जांच और उपचार की एक बेहतर नीति की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने कल नई दिल्ली में कहा कि इससे मरीजों को एंटीरेट्रोवायरल उपचार मुफ्त दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने HIV मरीजों के लिए काम करने और जागरूकता फैलाने वाले लोगों को सम्मानित किया। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनने और समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग की खनन मंत्री वी सुजॉय कृष्ण राव के मंत्री समूह ने कल स्थिति की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आर्मेनिया और पोलैंड की यात्रा से समाप्ति के बाद आज सुबह स्वदेश लौट आए। श्री अंसारी ने कहा कि दो मित्र देशों के साथ ये उनकी सफल यात्रा रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक धुंधले या अस्पष्ट लेखन वाले नोट लेने से मना नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी परिपत्र में कहा है कि इस प्रकार के नोटों को मटमैले नोट के रूप में देखा जाना चाहिए और इनका निपटारा रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट पॉलिसी यानी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जाना चाहिए। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता आज से मलेशिया के इकोह में शुरू हो रही है। 6 देशों की इस प्रतियोगिता में भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान और न्यूजीलैंड हिस्सा ले रहे हैं। इस साल पाकिस्तान प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा है।
शुरुआती मुकाबले में आज भारत ब्रिटेन के साथ खेलेगा। आईपीएल में आज दो मैच खेले जाएंगे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच पहला मैच शाम 4 बजे पुणे में होगा, दूसरे मैच में गुजरात लायंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंटरनेट चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए मृतक व्यक्ति और गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। एक अज्ञात शव 10 अप्रैल 2017 को बाईपास जाचा फ्लाईओवर के पास दादरी से प्राप्त हुआ है। अज्ञात शव की उम्र 22 वर्ष, शरीर की गहरा है, कद 5 फुट 5 इंच है, दिमागी हालत से कमजोर। गजेंद्र पुत्र राकेश चौहान जो कि 23 फरवरी 2017 से लापता है। गजेंद्र की उम्र 28 वर्ष, मजबूत जिस्म, कद 5 फुट 7 इंच, सामान्य मानसिक स्थिति, ये लापता है। गजेंद्र के बारे में यदि आपके पास कोई सूचना हो या आप संपर्क करना चाहें तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। चंद्रवीर सिंह जिनकी उम्र 22 वर्ष, गहरा बदन, कद 5 फुट 2 इंच, बाई आंख के पास चोट का निशान है। वे 22 फरवरी 2017 से अलीगढ़ से लापता है। चंद्रवीर सिंह के बारे में यदि आपके पास कोई सूचना हो या आप संपर्क करना चाहें तो आप थाना अध्यक्ष थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी विवरण सुनिए। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। राजधानी चैनल पर 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली में परिचर्चा में भाग लेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना शर्मा। इसका संचालन करेंगे भीम प्रकाश शर्मा। दिन में 12:05 पर आधा आकाश हमारे कार्यक्रम में उत्तर भारत के पर्यटन स्थल पर बातचीत होगी। अमृत फल त्रिफला पर दिव्या कॉलेज के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर सुनील से वार्ता सुनिएगा। 2:30 पर गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम में लोकरंग कार्यक्रम होगा। दोपहर बाद 3 बजे खेल सेवा का प्रसारण होगा, इसमें आईपीएल पर रिपोर्ट और समसामयिक खेल गतिविधियों पर जानकारी आप ले सकेंगे। युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:05। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल से प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आकाशवाणी के मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर भी इसे सुना जा सकता है। साथ ही इसका प्रसारण
दूरदर्शन के नेशनल न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। और रात 8 बजे ही मन की बात के अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और राजधानी चैनल मीडियम वेव 750.5 मीटर अर्थात 686 किलोहर्ट्ज़ पर किया जाएगा। याद रखें 20 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल बाल कार्यक्रम बड़ी समस्या बन चुका है और पॉलिथिन कचरा भी मानव से लेकर पशु पक्षी के लिए घातक से दूर है। हाँ सुहानी, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जब आज आ रहा था तो मैंने भी देखा कि सड़कों पर बहुत से लोग कचरा फेंक रहे थे जो कि जानवर खा लेते हैं और फिर उनको बहुत बीमारियां हो सकती हैं। और गायों को कचरे के ढेर से ऐसे टेडी बियर खाते और गंभीर रूप से बीमार होते और मरते देखा गया। हाँ, मुझे अपने स्कूल में अध्यापिका ने सिखाया था कि इस समस्या को कम करने के लिए 3 प्रकार के कूड़ेदान होते हैं। उनको पहचानने के लिए इन पर अलग अलग रंग किए जाते हैं जैसे नीला, लाल और हरा। तो अनेक इन तीनों रंग के अंदर कैसे कैसे कचरा डाला जाता है? नीले कूड़ेदान में ऐसा कचरा डाला जाता है जो कि रिसाइकल हो सके जैसे कागज, कार्डबोर्ड इत्यादि। अच्छा, और हरे डस्टबिन में? हरे में फलों और सब्जियों के छिलके डाले जाते हैं जिनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, और लाल कूड़ेदान में? लाल में लुकी हुई चीजें डाली जाती हैं जैसे कांच के टुकड़े और लोहे की चीजें। तो अनीस, आपने तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे कूड़ा पॉइंट में लोग घरों का कचरा है पॉलिथीन के बैग में लाते हैं, रखी सब्जियाँ के कतरन, अनाज व फलों के छिलके, घरों में टूटे गए कांच के टुकड़े, घरों में इस्तेमाल हुई कोई नुकीली वस्तु इत्यादि जिन्हें पॉलिथीन समेत गाय और अन्य जानवर इन्हें घटक लेते हैं जिसके कारण जानवरों को बहुत नुकसान होता है। हाँ, और जैसे हम बहुत सा कूड़ा नालियों में फेंकते हैं जो बाद में जाकर समुद्र में मिल जाता है तो मछलियाँ भी ये कचरा खा लेती हैं और उन्हें भी बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं जो उनके लिए बहुत घातक भी सिद्ध होता है। और अब जब हम घर से निकलने वाले कूड़े को सबको इकट्ठा करके फेंकते हैं जिससे पशु पक्षियों को यह पता नहीं चल पाता कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं, और हमें खाने की चीजों को अलग अलग फेंकना चाहिए जहाँ तक संभव हो। हमें कूड़े दान पर ऐसे कोई वस्तु जैसे टूटा कांच का सामान, टूटे कांटे वाली चम्मच तो इत्यादि जिससे पशुओं तथा मानव को नुकसान ना पहुंचे ऐसी वस्तु कूड़ेदान में नहीं फेंकनी चाहिए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो अनिल, हमारी बातें तो आगे बढ़ के ही रहेंगी, तो चलो अब हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस समस्या को कम करने के लिए कितना योगदान देते हैं। तो अब हमारे माइक्रोफोन के सामने आ चुके हमारे एक दोस्त, तो उनसे नाम पूछना तो बनता ही है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। तो सोनू, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाऊंगा जिसे चुटकुले भी कहते हैं। तो सुनाइए। हंसने के लिए पहले तैयार हो जाइए, फिर सुनाऊंगा। ठीक है। एक मच्छर कहता है, दोस्त हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो दूसरा दोस्त बोलता है, वहाँ कैसे? पहला मच्छर बोला, साबुन दानी में साबुन, चूहे दानी में चूहा, तो मच्छर दानी में। तो सुनाइए। एक बार की बात है, एक गांव में एक पेड़ रहता था जिसको बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था। तो सभी लोगों के घर में जैसे त्योहार होता था, शादी ब्याह होती थी, तो वो उन शेड से बर्तन उठा लेते थे। लेकिन शेड कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे बर्तन डूबने लगा था। तो एक दिन एक हरी शाम का एक बूढ़ा आदमी शेड के पास गया और उसने 2-3 बर्तन उधार लिए। जब हरीश शेठ को बर्तन वापस देने आया कि शेठ ने कहा, मेरे और बर्तन कहाँ थे? तो हरीश ने बोला, शेठ जी आपने तो मुझे इतने ही बर्तन दिए थे। तो शेठ ने बोला, जब मैंने तुम्हें ये बर्तन दिए थे तो इनके पेट में बच्चे थे, वो बच्चे तुम्हारे घर में जन्म लिए थे, तो वो बच्चे भी मुझे वापस देंगे। अब हरीश बेचारा करता था क्या, उसने दुकान से छोटे बर्तन खरीद के शेठ को दे दिए। शेठ अपनी प्राप्ति पर बहुत खुश था। तो एक दिन ऐसे ही मोहन नाम के लड़के के घर में
एक त्योहार था तो मोहन ने सेठ से दो तीन बर्तन उधार लिए तो बहुत दिन हो गए सेठ को मिले ही नहीं बर्तन तो सेठ को चिंता होने लगी। सेठ पूछताछ करके मोहन के घर पहुंच ही गया तो मोहन ने सेठ को देख के अपना मुंह सटका के रोने लग गया तो सेठ ने बड़ी चिंता से पूछा, मोहन मेरे बर्तन कहाँ है? जो मैंने तुम्हें बर्तन दिए थे वो तुमने मुझे वापस नहीं दिए। तो मोहन ने बोला, सेठ जी जब मैं बर्तन आपके घर से अपने घर में लाया था तो वो बीमार पड़ गए, मैंने खूब याद करा खूब याद करा लेकिन वो मर गया। तो सेठ ने बोला, बर्तन कभी मर सकते हैं? तो मोहन ने बोला, सेठ जी अगर बर्तन बच्चे जन्म कर सकते हैं तो मर नहीं सकते। तो सेठ को ये सुनते ही समझ आ गया कि सेठ की जान उसने सेठ पर ही चल दी है तो सेठ वहाँ से चुपचाप चला गया। इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कभी भी हमें अपनी चाल नहीं चलनी चाहिए। धन्यवाद। तो अब हमारे माइक्रोफोन के सामने आ चुकी है ईशा। तो ईशा आज अपन क्या सुनाएंगे? मैं आज आपको कविता सुनाऊंगी। तो लंबे लंबे नाखूनों वाला जंगल काढ़ा घर के अलावा तेज तेज का हरने वाला आगो भागो आया है शेर। तो अनीस जैसे कि हम सभी को पता है कि आप हमारे लिए हर बार बहुत अच्छे अच्छे गाने सदियाँ लाते हैं तो क्या आज आप हमें नहीं सुनाएंगे? कोई अपने दोस्तों को कोई गाना नहीं सुनाएंगे? हाँ, आज मैं आपको संक्षेप में राष्ट्र गीत सुनाऊंगा जिसका नाम है जय भारत जननी। भारत माता गुर जन गीता निर्मल गंगा जल पूता शिर शिविराजित हिमगिरि मुकुटं महोदधि सलिलं जगने सस्यलता तरुवसनं जय भारत जननी जय भारत जननी जय भारत जननी ऋषि वर घोषित मंत्र पुलकिता कवि वर गुंसित पावन चरिता धीर वीर नित शौर्य पालिता जय भारत जननी जय भारत जननी मम मनसि सदा तव पदयुगलम् मम मनसि सदा मनस्वी। जैसे कि हमें पता ही है आप हमारे लिए हमेशा नई नई कविता लाते हैं तो आज आप हमारे लिए कौन सी कविता लाए हैं? आपको एक आज मैं पोएम सुनाने हूँ। तो आज आप हमारे लिए फिर से एक कविता लाए हैं तो सुनाइए। रोज सुबह को सूर्य के आकर सबको सदा जगाता है शाम को ही लाली फैलाकर अपने घर को जाता है सब दिन खुद को जला जला कर दिए प्रकाश जलाता है उसका ही नजी देना है वो अपने घर को जलाता है। Thank you.
गाते गुनगुन करता है सुने प्यारी प्यारी बात मीठे बोलों में पाते एक पुजारी गाते गुनगुन करता है सुने प्यारी प्यारी बात मीठे बोलों में पाते एक पुजारी साथ है सारे ला 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 ला। तो अभी हमने सुना है गीत, तो अनिल जैसे कि हमारी अभी उनसे चल ही रहा था कि हमें उनसे जुड़े को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जानवर था जिसे भूख ना लगने और कमजोरी की शिकायत के बाद पशु चिकित्सालय लाया गया। जांच के बाद उसकी सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद पेट से 38.4 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियां, एक एलईडी बल्ब, सेफ्टी पिन, नाखून और रस्सी निकाली गई। इस सर्जरी से वह बच तो गया, लेकिन हर जानवर की किस्मत इस जानवर जैसी नहीं होती। हमें पशु पक्षियों के दर्द को समझना चाहिए, आखिर उन्हें भी तो हमारी जैसी जान होती है ना। हाँ, और इस कारण की वजह से कई जानवर लुप्त हो रहे हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर हैं। और हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हम अपना दर्द सबको बता सकते हैं, लेकिन जानवर तो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। लेकिन हमें जानवरों की पीड़ा को समझना चाहिए और इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना चाहिए। अगर हमें जीने का ऐसी बीमारी का नाम जिसका नाम सुनते ही पेशेंट को सोचने लगता है कि अरे मुझे क्या हो गया। और उसके साथ साथ उसके परिवार के वो लोग भी जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, समाज में, घर में, दफ्तर में, परिवार में, वो सब भी उसको एक अलग नजर से देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सहानुभूति दी जा रही है, बजाय वो प्यार या वो ममता या वो आदर जिसका वो हकदार है, एक सहानुभूति उसकी तरफ खिंच जाती है कि अरे इसको कैंसर हो गया। लेकिन अब अवस्था बदली है, कैंसर का पेशेंट अगर डॉक्टर के पास सही समय पर चला जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए और डॉक्टर कहने के अनुसार वो अपने इलाज को जारी रखे तो कैंसर पर विजय पाई जाए। कई नाम हमारे सामने ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर पर विजय पाई है। कैंसर अनुसंधान और इलाज में नई तकनीक, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। आप प्रोफेसर हैं रेडियो थेरेपी विभाग में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, डॉक्टर स्वागत है आपका। और साथ में है इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की डॉक्टर अल्पना शर्मा, आप भी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट में, डॉक्टर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अल्पना शर्मा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आज 29 तारीख को इम्यूनोलॉजी डे है जिसको हिंदी में उनका दिवस कहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति तभी बीमार पड़ता है जब उसकी प्रतिरोधक क्षमता या तो कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है या बीमारी के जीवाणु उस पर विजय प्राप्त कर देते हैं। तो ये जो इम्यूनोलॉजी डे है इसका क्या महत्व रह जाता है ऐसे समय में? देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ये वर्ल्ड इम्यूनोलॉजी डे है, ये एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके अंतर्गत कई यूनियन मिली हुई हैं। इन्होंने इसका आयोजन जन समाज में जागरूकता पैदा करने की मंशा से 2005 में प्रारंभ किया। उसके बाद प्रतिवर्ष विश्व के कई देश इसको मनाते रहे। हमारे हिंदुस्तान में, भारत वर्ष में हम लोग पिछले 5 साल से हम कैंसर रोग को दोषी जरूर ठहराते हैं, परंतु आप ये देखें कि यदि मान लीजिए शरीर में इस तरह के कोई भी लक्षण पैदा हो रहे हैं, जानकारी होने पर ही लोग अस्पताल दिखाने नहीं जाते, उसका इलाज नहीं कराते, डरते हैं, डॉक्टरों के पास जाने से डरते हैं।
बच्चों का प्रसारण होता है या दूरदर्शन का। डॉक्टर अर्चना शर्मा जैसे डॉक्टर मनोज ने कहा मुस्लिम लोगों को टेस्ट अगर वो पहले करा लिए तो बताया जा सकता है कि संभावना है किसी किसी सेल्स में प्रोटीन पाई जाती हैं और उन प्रोटीन का मारक जो है वो दवा इजाद हो सकती है। यदि मान लीजिए वो प्रोटीन हमें सूचकांक नहीं दे रहे हैं और हम उस मारक को उस मरीज को दिए चले जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, पैसा खर्च होगा। तो परीक्षा जो है वो संतुलित आधार से करनी आवश्यक है और चिकित्सा की जो सफलता है उसको देखते हुए करनी आवश्यक है। इसीलिए हम मदन भी कहते हैं कि एक अनुभव वाले कैंसर विशेषज्ञ के पास जाना जाए जो कि वो के नाप लेता है एक किन किन तरीकों की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ बड़ी विचित्र है संक्षेप में कि जैसे हमारे साथ कई बार वॉलंटियर्स के ऊपर परीक्षण किए जाते हैं, मरीजों के ऊपर फेज वन फेज टू फेज थ्री फोर फेज फोर ट्रायल्स होने के बाद वो चिकित्सा पद्धति समाज के लिए उपयोग की जाती है। परंतु आजकल अखबारों में कुछ भी छप जाता है कि भाई हमारे पास शक्तिया इलाज है, ये है वो है। मेरा जनता से ये कहना है उसके ऊपर न जाए। जो इलाज की पद्धतियाँ उपलब्ध हैं यद्यपि वो या तो बहुत महंगी हैं या बहुत सारे चिकित्सालयों में खासतौर से जहाँ मुफ्त के इलाज होते हैं वहाँ पे नहीं है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स में तो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप किसी का नाम लीजिए, क्या विशेषज्ञ हैं वहाँ, क्या उनकी लगन है मरीज के इलाज के लिए, उसमें हम विदेशों से कहीं आगे हैं। मैंने विदेश के अस्पतालों को खूब देखा है और समझा है, बहुत ही ज्यादा कमर्शियल है, पर यहाँ जो हमारे डॉक्टरों में भावुकता है और जो उनका अनुभव है वहाँ 10 मरीजों के इलाज पे बस हो जाता है और यहाँ पे 100 मरीजों के इलाज पे जो बस नहीं होता, डॉक्टर जो है वो खाना पीना और नींद छोड़ के बैठा रहता है। तो इसमें हम किसी तरह से पीछे नहीं है। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो शोध में हो, चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट में हो। अब इसी वर्ल्ड इम्यूनोलॉजी डे को ले लीजिए जो हम पिछले 5 साल से मना रहे हैं। आपको प्रसन्नता होगी ये जान के कि पूरे विश्व में पिछले साल भारतवर्ष को इस दिवस को मनाने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, क्योंकि हमारे देश के 23-24 शहरों में दूर दराज, चाहे वो जम्मू कश्मीर लें, चाहे वो त्रिपुरा लें, चाहे वो कलकत्ता लें, बम्बई लें, हर कोने में इसका प्रचार प्रसार हुआ। ये इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी के अंतर्गत हुआ और उससे हमें प्रथम पुरस्कार मिला। तो हम हर चीज में अभी भी मैं आपसे कहूंगी सबसे आगे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कैंसर जैसा भयानक रोग है,
कितनी जान लेता रोना रहा हो, लेकिन अब ऐसे अनुसंधान हुए हैं और ऐसी नई तकनीक भारत में भी उपलब्ध है। जैसे डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा, डॉक्टर अपना शर्मा जी ने भी कहा कि अब मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाएं, समय से इलाज कराएं। तकनीक मौजूद है, सुविधाएं मौजूद है, इलाज मौजूद है, कैंसर से किसी की भी मृत्यु ना हो, ये इस देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का प्रण है। डॉक्टर मनोज शर्मा और डॉक्टर अपना शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। पंडा क्या है? दादाजी दादाजी चलिए ना बाहर चलते हैं, आज हम रात को बाहर ही सोएंगे। ज़हमत करो सुभाष, हम कल भी तो बाहर सोए थे, तो मैंने तभी कहा था कि आज अमावस की रात है तो हम आज बाहर नहीं सोएंगे। पर क्यों ना दादाजी, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बाहर सोने में कितना मजा आएगा। अमावस हुआ तो क्या हुआ, वो तो हर महीने आता है। सुभाष मेरी बात मानो, आज बाहर चांद नहीं है और बहुत ज्यादा अंधेरा होगा, हम आज बाहर नहीं सोएंगे। बस क्यों, आज चांद क्यों नहीं है? कल तो था पर आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज सूरज की रोशनी चांद के दूसरी तरफ पड़ रही है। क्या, इसका क्या मतलब? अरे इसका मतलब तभी बताऊंगा जब तुम बाहर जाने की जिद छोड़ दोगे। हाँ अच्छा अच्छा, प्रॉमिस, आज हम अंदर ही सोएंगे। अब आप बताओ ना कि आपका मतलब क्या था जब आपने कहा कि आज सूरज की रोशनी चांद की दूसरी तरफ पड़ रही है। अच्छा तुम ये पहले बताओ कि चांद की रोशनी कहाँ से आती है? चांद तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुँचाती है ना। अरे बिल्कुल सही, अब ये बताओ कि चांद का आकार हर रात रात पे रात बदलता क्यों रहता है? पता नहीं, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब आप बताओ ना कि चांद का आकार हर रोज बदलता क्यों है, और आज चांद है ही नहीं, इसका मतलब कि वो कहीं चला गया है? अरे नहीं बरकरार, चांद भला कहीं जाएगा? देखो होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है तो चांद का वो वाला हिस्सा जो कि सूरज की तरफ होता है वो चमकता है, जबकि उसके पीछे वाले हिस्से पर बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ती। और क्योंकि हम अलग अलग दिन में चांद के अलग अलग हिस्से को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि चांद का आकार बदल रहा है। मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, उदाहरण के तौर पर एक बॉल ले लेते हैं। अगर हम एक अंधेरे कमरे में इस बॉल को एक टेबल के बीचों बीच रख दें और उस पर टॉर्च की रोशनी फेंकें तो क्या होगा? तो उस बॉल का सामने का आधा हिस्सा हमें दिखाई देगा। हाँ, अब ये सोच लो कि तुम्हारा दोस्त समीर तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारी जगह उसने टॉर्च पकड़ा हुआ। पर क्यों, मैं टॉर्च क्यों नहीं पकड़ सकता? अरे भाई तुम बचपना छोड़ो, ये बात सुनो। देखो तुम्हारी जगह पे समीर ने टॉर्च को पकड़ा हुआ है और तुम उसके पास खड़े हो। ठीक है, सोच लिया। हाँ, और सोचो कि तुम उस बॉल के चारों ओर घूम रहे हो। अब एक बात बताओ, जब तुम समीर के समकोण खड़े होगे तो तुम्हें बॉल का कितना हिस्सा दिखाई देगा? मैं अगर समीर के समकोण खड़ा हूँ और बॉल की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल दिखाई देगा। पहला मैच शाम 4 बजे से पुणे में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बहुत आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कशिश मित्तल का गायन रात।
के बोलता हूँ। मैं गंगा के ये पाँव कितने नीचे किया और उनका भी स्वागत करूंगा जालंधर से। मैं रेनू जैन पिछले 16 वर्षों से वर्षित अब कर रही है। एक बार जोरदार मैं गंगा के हाथ उठा करके अनुमोदना करेंगे बहन की। पिछले 16 वर्षों से गुरुदेवों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बहन रेनू जैन जालंधर से बता रही है। दिल्ली से बहन दर्शना जैन, दिल्ली से बहन दर्शना जैन और इनका भी वर्षित अब का नगर जैन समाज का बहुत सौभाग्य का दिन है जो आज हमारे ऐसे गुरुओं का शरणा मिला जिनकी वजह से हमें अक्षय तृतीय का इतना बड़ा पारने का महोत्सव प्राप्त हुआ।
हम गुरुओं से आशा करते हैं ऐसे प्रोग्राम हमारे को हमेशा कृपया देते रहें, और हम सब भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सब सहयोग करके इस प्रोग्राम को इस चोटी पर पहुंचाया। सभी से जय जिनेंद्र।